और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। ये कहता है पार्टिकल मास एम मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड इन एक्स ओ वाई प्लेन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल चल रहा है, मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल का जो मोशन है प्यारे बच्चों वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से दिया हुआ है, इक्वेशन से दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन, है ना। चलो तो पहले, सबसे पहले उस लाइन को ड्रा करो जिस पे वो चल रहा है, ठीक है। देखें तो कैसे चल रहा है, वो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। अब जो इस लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है स्लोप वाला, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप की वैल्यू जो है वो वन है। स्लोप वन मतलब टेन थीटा वन, टेन थीटा वन, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 45 डिग्री, स्लोप 45 है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है c प्लस फोर, मतलब स्लोप 45 लेके ऊपर y एक्सिस को 4 पे कट करके स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी। ये इंटरसेप्ट 4 है और ये एंगल 45 है और ये पार्टिकल इस पर ऐसे जा रहा है मान लिया मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये इधर जा रहा है कि उधर से आ रहा है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लिया मैं इधर से जा रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड आपको मैं कितना सिखाया हूँ और ये भी बताया हूँ कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए सिर्फ दो बातें होना चाहिए। एक है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम में मल्टीप्लाई करने। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा डी और लीनियर मोमेंटम आ जाएगा इसका एम बी। मास दिया होगा, देखो मास दिया है 5 kg और लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है 3√2, मतलब ये आ जाएगा 15√2 लीनियर मोमेंटम। अब हमारा टारगेट है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे ये 45 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 45 है, इसका मतलब ये 1 है और ये 1 है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं नहीं ये 4 है ना, ये 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस भी 4 होगा, तभी तो 45 होगा भैया, टेन 45 पी बाई बी, और ये 4 है तो इसको भी 4 होना पड़ेगा। अब अगर इसमें 4 आ गया, समझना, इसमें 4 आ गया तो ये 45 है, यहाँ एक ट्राइंगल बन गया छोटा सा, तो ये 45 है, ये 90 है, तो इसको भी तो 45 होना पड़ेगा। तो अगर ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इसका मतलब इसमें ये जो ये हाइपोटेन्यूज बना 4 और ये D होगा, तो ये भी D होगा, यहाँ से यहाँ तक D होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, मतलब D की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 4√2, 4√2, दैट इज द D। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम ओ पे निकालने का सिंपल सी तरीका है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम कितना है 15√2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4√2, तो √2 ने √2 को और ये आ जाएगा 60 यूनिट, दैट इज ए ऑप्शन सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोटेशन फ्रॉम द मी। आई होप कि आप बहुत कुछ सीखे होगे, कैसे क्वेश्चन करते हैं वो आप सीखे होगे, और इसको आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू लेटर।